ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 T20 मैचों की सीरीज समाप्त हो चुकी है, जिसमें टीम इंडिया ने T20 सीरीज को बड़े ही शानदार तरीके से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेली गई भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 T20 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने शानदार तरीके से जीत दर्ज करते हुए T20 सीरीज को अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज के समाप्त होने के बाद भारत की टीम अब साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी, जहाँ पर टीम इंडिया 3 T20 मुकाबले, 3 वनडे मुकाबले और 2 टेस्ट मुकाबले खेलेगी। लेकिन दोस्तों, इन तीनों ही फॉर्मेट के लिए टीम इंडिया का कप्तान अलग अलग खिलाड़ी को बनाया गया है। आपको बता दें कि T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है, वहीं पर दोस्तों वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का कप्तान KL राहुल को बनाया गया है और टेस्ट मुकाबलों के लिए टीम इंडिया का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, अब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अब साउथ अफ्रीका को पहले T20 मुकाबले में हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराने के लिए टीम इंडिया की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 6-6 बड़े बदलाव कर दिए हैं। आपको बता दें कि इन बड़े बदलावों में बड़े नामों को शामिल किया गया है। वहीं पर दोस्तों, फ्लॉप खिलाड़ियों को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कौन कौन से खतरनाक खिलाड़ियों की एंट्री कराई है और कौन कौन से फ्लॉप खिलाड़ियों को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया है। और दोस्तों, इस पहले T20 मुकाबले के लिए आखिर कैसी होने वाली है भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11, दोस्तों पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता, इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया 3 T20 मुकाबले सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेलेगी, जिसमें पहला T20 मुकाबला टीम इंडिया 10 दिसंबर को खेलेगी और दूसरा T20 मुकाबला 12 दिसंबर को और दोस्तों तीसरा T20 मुकाबला 14 दिसंबर को भारतीय टीम खेलेगी। दोस्तों, अगर पहले T20 मुकाबले के लिए 10 दिसंबर को होने वाले इस महामुकाबले के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें और टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की बात करें, तो दोस्तों यहां पर ओपनिंग जोड़ी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पर ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अब यशस्वी जायसवाल सिर्फ खेलते हुए दिखाई देंगे और ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया है और ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर यहाँ पर सुमन गिल को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है और सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। सुमन गिल को वर्ल्ड कप समाप्त होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में शामिल नहीं किया गया था और सुमन गिल को आराम दिया गया था, लेकिन दोस्तों अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुमन गिल टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। यशस्वी जायसवाल और सुमन गिल काफी कमाल के बल्लेबाज हैं और टीम इंडिया के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हैं और हाल ही में खेली गई ऑस्ट्रेलिया सीरीज में यशस्वी जायसवाल ने काफी कमाल का प्रदर्शन किया है और जायसवाल इस समय काफी खतरनाक फॉर्म में भी चल रहे हैं। दोस्तों, अगर तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर यहां पर श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में पहले T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप 2023 में काफी कमाल का प्रदर्शन किया था, लेकिन दोस्तों अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज में मात्र 2 T20 मुकाबलों में खेलने का मौका मिला था, जहां पर श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फ्लॉप हो गए थे। लेकिन दोस्तों, फिर भी फ्लॉप होने के बाद श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में शामिल किया गया है। और दोस्तों, अगर बात करें चौथे नंबर की तो चौथे नंबर पर यहाँ पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज में बड़ा ही कमाल का प्रदर्शन किया है और सूर्या T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। सूर्या T20 फॉर्मेट में मैदान के चारों तरफ बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों, अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में 5वें नंबर के बल्लेबाज की बात करें तो 5वें नंबर पर बाएं हाथ के बल्लेबाज और बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खेलने वाले ईशान किशन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। ईशान किशन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज में बड़ा ही कमाल का प्रदर्शन किया था और ईशान किशन ने बेहद ही खतरनाक बल्लेबाजी करी थी और ईशान किशन इस समय काफी खतरनाक फॉर्म में भी चल रहे हैं, इसलिए दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में ईशान किशन बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज 5वें नंबर पर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं।
वहीं पर दोस्तों बात करें छठवें नंबर की, तो छठवें नंबर पर यहां पर द फिनिशर रिंकू सिंह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। रिंकू सिंह टी20 के कमाल के बल्लेबाज हैं और भारतीय टीम के लिए छठवें नंबर पर खेलते हुए काफी शानदार तरीके से मैच फिनिश करते हैं। दोस्तों अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहां पर सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा की वापसी होने वाली है। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा वर्ल्ड कप के समाप्त होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 5 T20 मैचों की सीरीज में शामिल नहीं थे, क्योंकि उस समय रविंद्र जडेजा को आराम दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब रविंद्र जडेजा साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में सातवें नंबर पर ऑलराउंडर के रूप में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के काफी खतरनाक ऑलराउंडर हैं और गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही छोरों से टीम इंडिया के लिए मैच जिताने का दम रखते हैं। वर्ल्ड कप में भी रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी से बड़ा ही कमाल का प्रदर्शन किया था। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें आठवें नंबर की, तो आठवें नंबर पर कुलदीप यादव टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। कुलदीप यादव टीम इंडिया के शानदार लेग स्पिनर हैं और भारतीय टीम के लिए काफी खतरनाक गेंदबाजी करते हैं। कुलदीप यादव ने वर्ल्ड कप 2023 में काफी कमाल का प्रदर्शन किया था, लेकिन दोस्तों उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद कुलदीप यादव को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया था। कुलदीप यादव को उस समय रेस्ट दिया गया था और 5 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुलदीप यादव को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नहीं लिया गया था। लेकिन दोस्तों अब पहले T20 मुकाबले में कुलदीप यादव को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला है और एक बार फिर से कुलदीप यादव साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में अपनी तूफानी गेंदबाजी से धमाल मचाने वाले हैं। दोस्तों 9वें और 10वें नंबर पर यहां पर 9वें नंबर पर मोहम्मद सिराज और 10वें नंबर पर यहां पर अर्शदीप सिंह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह टीम इंडिया के काफी खतरनाक गेंदबाज हैं और काफी तेज गेंद फेंकते हैं। दोनों ही टीम इंडिया के शानदार गेंदबाज हैं और टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी अपनी खतरनाक गेंदबाजी से किसी भी समय मैच का पासा पलट सकते हैं। दोस्तों यहां पर 11वें नंबर की बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में 11वें नंबर पर यहां पर मुकेश कुमार खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। मुकेश कुमार ने टीम इंडिया की तरफ से प्लेइंग 11 में खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज में बड़ा ही कमाल का प्रदर्शन किया है। इसलिए दोस्तों एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन को देखते हुए मुकेश कुमार को साउथ अफ्रीका दौरे के लिए पहले T20 मुकाबले में अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को 5 T20 मैचों की सीरीज में हराकर T20 सीरीज अपने नाम करने के बाद टीम इंडिया काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है और टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल इस समय 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 10 दिसंबर को खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले में भारत और साउथ अफ्रीका में ऐसी कौन सी टीम जीतेगी, आप हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।